गुड इवनिंग फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को मालूम है हम लोग डेली 5 मिनट देके विज्ञान का 5 कंसेप्ट सीखते हैं। आइए आज देखते हैं आज हम लोग कौन 5 वर्ड सीखेंगे। देखिए आज का हमारा पहला वर्ड है फ्लावर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठेगा कि फ्लावर क्या है। हम लोग सभी जानते हैं कि जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में सिर्फ हम लोग को 2 ही पार्ट देखने को मिलेगा, रूट और स्टेम। बाकी जो भी मिलेगा वो इसी का मॉडिफिकेशन है। तो ये जो है फ्लावर, ये किस चीज का मॉडिफिकेशन है? ये मॉडिफिकेशन है स्टेम या शूट का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लावर इज नथिंग बट मॉडिफाइड शूट। फिर सेकंड आएगा कि सर इसका यूज क्या है? तो ये पार्टिसिपेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो फ्लावर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट विच इज यूज फॉर और मिंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब 2 फ्लावर है जो हम लोग को मालूम होना चाहिए। एक फ्लावर है रोज, इसका बोटेनिकल नेम होता है रोजा इंडिका। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। और एक दूसरा फ्लावर है जिसको हम लोग पहले भी बताए हैं, जो कि है नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, लोटस। तो आपसे पूछा जाता है तो इसका भी बोटेनिकल नेम पूछा जाता है। और इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? नीलम्बो न्यूसीफेरा। क्या होता है? नीलम्बो न्यूसीफेरा। अब यहाँ पे बच्चों एक बात आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हम बोटेनिकल नेम लिखेंगे तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा बच्चों, ये फर्स्ट वर्ड हमारा क्या होता है? कैपिटल होता है, ठीक है बच्चों। तो जब फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा तो यहाँ आर क्या हो जाएगा? हमारा कैपिटल हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? आइए अब हम लोग दूसरा वर्ड देख लेते हैं। हमारा आज का दूसरा वर्ड क्या? हमारा आज का वर्ड है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स आर नथिंग बट फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो कहीं भी आप लोग को एंजियोस्पर्म वर्ड देखने को मिले तो क्या समझना होगा? फ्लावरिंग प्लांट। अब आइए जब हम प्लांट की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स आर वन ऑफ द मोस्ट इवॉल्व टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है? इसको गुलहर या उलहर का फूल कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम क्या है बच्चों? चाइना रोज। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? चाइना रोज, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावर है, क्यों? अगर आपको फ्लावर का मॉर्फोलॉजी समझना हो, फ्लावर का समझना हो, एंड्रोइसियम कहा है, जाइनोइसियम कहा है, सेपल पेटर कहा है, तो दिस इज द बेस्ट फ्लावर फॉर दैट पर्टिकुलर स्टडी, ठीक है। इसका अगर हम लोग बोटेनिकल नेम का बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। क्या होता है बच्चों? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, हिबिस्कस रोजा और उसके बाद साइनेंसिस। क्या होता है? साइनेंसिस, एस आई एन ई एन एस आई एस, साइनेंसिस, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जीनस का नेम हो गया, ये स्पीसीज का नेम हो गया, और यहाँ पे सब स्पीसीज भी है। जस्ट लाइक हम लोग ह्यूमन की बात करेंगे तो होमोसेपियंस, और मॉडर्न ह्यूमन की बात करेंगे तो होमोसेपियंस सेपियंस, वही कंसेप्ट है। आइए अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। हमारा अगला वर्ड है फ्लोरिकल्चर, ठीक है। फ्लोरिकल्चर डील्स विद कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, और अच्छा बोले तो बोल सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये क्या है? हॉर्टिकल्चर का ब्रांच है, ठीक है। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लावर एज वेल एज कल्टीवेशन, फ्लावर कल्टीवेशन, क्लियर है। इसी को हम लोग बोलेंगे फ्लोरिकल्चर। नाम से स्पष्ट है फ्लोरी, फ्लोरी टर्म्स इंडिकेट्स फ्लावर। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला वर्ड है सिम्बायोसिस। एक्चुअली बच्चों सिम्बायोसिस ये टाइप ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन इन विच टू ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर एंड बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम इच अदर। ऐसा किसी भी तरह का म्यूचुअल एसोसिएशन हो बच्चों, जहां पे दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हो और दोनों को एक दूसरे से फायदा हो, उसी को हम लोग सिम्बायोसिस या सहजीविता बोलते हैं। हिंदी में देखिए सह मीन साथ, जीविता में जीवन यापन करने वाला। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, आप लोग कोई भी अगर दलहनी पौधा उखाड़ के देखिएगा ना, तो उसके जड़ में आपको गांठ मिलेगा। एक्चुअली वो गांठ क्या है? वो गांठ है बैक्टीरिया का, जो कि हेल्प कर रहा है इस प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन में, यानी कि नाइट्रोजन उपलब्ध करा रहा है, और बदले में ये प्लांट उसको क्या कर रहा है? लेगुमिनस प्लांट क्या कर रहा है? उसको घर दे रहा है, इनहेबिटिंग ये दे, इनहेबिटेट कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोलिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। यानी दलहनी पौधों के जड़ों में जो गांठ पाया जाता है वो क्या है? गांठ एक्चुअली में नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया है, और ये एग्जांपल है सिम्बायोसिस का। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है लाइके। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। ये भी क्या है? सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोला था सिम्बायोसिस में 2 ऑर्गेनिज्म होंगे, तो यहाँ पे कौन कौन 2 ऑर्गेनिज्म होंगे? तो यहाँ पे बच्चों जो 2 ऑर्गेनिज्म होंगे ना, वो होंगे अलगाई और फंजाई।
ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा अल्गा क्या करेगा, फंजाई क्या करेगा, तो अल्गा लाइकेन के लिए क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, इट प्रिपेयर फूड फॉर लाइकेन्स, ठीक है। और फंजाई क्या करता है, फंजाई प्रोवाइड शेल्टर्स, यानी घर रहने के लिए शेल्टर देता है, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपका किस चीज का एग्जांपल हो गया, सिम्बायसिस का हो गया, इन बीच अल्गाई एंड फंजाई बोथ आर लिविंग टुगेदर एज वेल एज बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, अल्गा प्रिपेयर फूड व्हाइल फंजाई प्रोवाइड शेल्टर। थैंक यू वेरी मच, होप कि आज आप लोगों ने कुछ सीखा होगा।